तो चलिए अर्चन, आज आपके लिए एक लेटेस्ट अपडेट आ रही है नालेट की तरफ से, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सभी बच्चों को ये पता होना चाहिए। अगर आप नालेट का कोर्स करना जा रहे हैं, कोई सा भी कोर्स करने जा रहे हैं, तो आपको ये जो अपडेट आई है, ये आपको अपने में चेंजमेंट करनी है। ठीक है, सभी बच्चों को करनी है। अब आने वाले जितने भी एडमिशन आपके होंगे नालेट में, आपको ये सारी चेंजमेंट करनी पड़ेगी। तो चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा इसी प्रकार के लेटेस्ट अपडेट जानकारी के लिए। तो चलिए नोटिस देखते हैं कुछ इस प्रकार से आई है आपके लिए। तो ये 24/9 को ये पब्लिश किया गया है, ये नोटिस आपका। तो देख लेते हैं पब्लिक नोटिस में क्या है आपका। तो नाइलेट हैज़ मेड इट मैंडेटरी फॉर स्टूडेंट रजिस्टरिंग फॉर एनएसक्यूएफ अलाइन कोर्सेज टू प्रोवाइड देयर ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री अपार आईडी। ठीक है, दिस इनेबल द ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट टू दी स्टूडेंट एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट अपॉन सर्टिफिकेशन वेयर अप्लीकेबल द अपार आई डी इज नाउ इज रिक्वायर्ड फील्ड इन द कोर्स रजिस्ट्रेशन फॉर्म और आपका एग्जाम कम रजिस्ट्रेशन फॉर्म इन केस ऑफ डिजिटल लिटरेसी कोर्सेज। ठीक है, ऑन द नाइलेट स्टूडेंट पोर्टल, ये जो आपका पोर्टल है जिसमें कि सारे ही एडमिशन होते हैं, तो इसी पर जाके आपको सारा अपना फॉर्म फिलअप करना है। वहाँ पे आपको अपार आई डी का ऑप्शन भी दिखेगा। ठीक है, और उसके बाद लिखा गया अपार आई डी, अपार इज़ अ 12-डिजिट यूनिक आइडेंटिफिकेशन जो आपका है सिस्टम फॉर ऑल स्टूडेंट इन इंडिया इंट्रोड्यूस करता है अंडर द वन नेशन वन स्टूडेंट आई डी इनिशिएटिव ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट इज लाइन विद द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। इट इनेबल्स स्टूडेंट टू डिजिटली स्टोर मैनेज एंड एक्सेस देयर एकेडमिक रिकॉर्ड इंक्लूडिंग डिग्रीज डिप्लोमा सर्टिफिकेट ट्रेनिंग एंड को सर्कुलर आपके अचीवमेंट जो भी आपके हैं। द सिस्टम इंटीग्रेट विद डिजी लॉकर फॉर सिक्योर डॉक्यूमेंट स्टोरेज एंड द एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट फॉर सीमलेस वेरीफिकेशन एंड क्रेडिट ट्रांसफ़र। तो सिंपल सा देखिए, आपको यहाँ बताया जा रहा है कि कंपलसरी कर दिया गया है एनएसक्यूएफ लेवल के जितने भी नालेट के आपके कोर्स हैं ए टू जेड, उन सभी कोर्सेज में अपार आईडी आपको क्रिएट करनी पड़ेगी। जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे, अपार आईडी का नंबर वहाँ पे आपको कॉलम आपको दिखाई देगा, जो कि 12 डिजिट का यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है आपका। इंडिया में वन नेशन वन स्टूडेंट का रिकॉर्ड आपका वो बनाता है, जो कि 2020 की पॉलिसी या आपकी गवर्नमेंट के द्वारा लागू की गई थी। ठीक है, तो ये आपको क्रिएट करना ज़रूरी है, जो कि डिजी लॉकर के माध्यम से आप इसको क्रिएट कर सकते हैं, जो कि आपके सिक्योर करता है आपके डॉक्यूमेंट को और आपका एक क्रेडिट स्कोर आपका तैयार कर देता है, जो जितने भी आप सर्टिफिकेशन करते जाएंगे उसके माध्यम से। ठीक है, तो ये आपको करना ज़रूरी है। देखिए पब्लिक नोटिस आपकी आई है, यहाँ पर आलोक त्रिपाठी जी का सिग्नेचर वगैरह है। तो इसको मैंने आपको बताया हुआ है कैसे क्रिएट करना है। अब आप कोर्स देख लीजिए, कोर्स कौन कौन से हैं जिसमें कि क्रिएट करना है आपको। तो ये आपके एनएसक्यूएफ लेवल के जो भी अलाइन कोर्स हैं वो यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, तो ये जितने भी कोर्स यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं नाइलेट के माध्यम से, इन सभी कोर्स में आपको करना है। और यहाँ पर जाएंगे स्टूडेंट वन में कोर्सेज में जाएंगे तो देखिए डिजिटल लिटरेसी कोर्स है, इस पर क्लिक करिएगा। यहाँ पर जितने भी कोर्स हैं ACC BCC CCC+, इन सभी में आपको करना है। उसके बाद एनएसक्यूएफ लेवल नॉन फॉर्मल कोर्स में जाएंगे तो देखिए O लेवल A लेवल B लेवल, इन सभी में आपको करना है। और इसके अलावा फॉर्मल कोर्स जो है आपके, ये जो आपके कोर्स हैं, इन सभी में आपको देखिए करना है। ठीक है, जितने भी एनएसक्यूएफ लेवल के कोर्स हैं यहाँ पे देखिए, करीबन आईटी के कोर्स हैं 53, इस पर क्लिक करिएगा। इसमें देखिए ये जितने भी कोर्स हैं, इन सभी में आपको जो है अपार आईडी क्रिएट करनी है। ठीक है, तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। student.nalet.gov.in पे हम जाएंगे और यहाँ पे आप अप्लाई ऑनलाइन के ऑप्शन पे क्लिक करिएगा। कोई सा भी आप इसमें XYZ जो है कोर्स जब वो उठाएंगे तो उसमें देखिएगा ऑप्शन आ चुका है। कोई सा भी हम कोर्स उठा लेते हैं, मान लीजिए हम यही उठा लेते हैं, AI डेवलपमेंट का उठा लेते हैं। देखिए ये कोर्स को आपने मान लीजिए अप्लाई किया किसी इंस्टीट्यूट के माध्यम से, तो इसमें आप जाएगा, देखिए 7.2 नंबर पे कॉलम पे आपको अपार आईडी यहाँ फिलअप करनी पड़ेगी।
तो नायलट की तरफ से जितने भी कोर्स अब आपके आ गए हैं सब में आपको अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी है, क्योंकि तो पब्लिक नोटिस यहाँ पे आपको जारी कर दिया गया है। ठीक है, तो आप इसको पहले ही क्रिएट कर लीजिए। अगर आपको फॉर्म नायलट से कोई भी कोर्स करना है उससे पहले आप इसको क्रिएट कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए आप यहाँ पे आ सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको देखिए ट्रिपल सी में अपॉर्चुनिटी कैसे क्रिएट करनी ये बता दिया, ओ लेवल में अपॉर्चुनिटी कैसे क्रिएट करनी ये बता दिया है। तो कोई भी एक प्रोसेस को फॉलो कर लीजिए, आप जाके अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, ये दोनों वीडियो आप लोग देख लीजिए, काफ़ी हेल्पफुल है, आप इजीली इसमें जो है बना पाएंगे। और इसको ज़रूरी है इसको अपने पास सेव करके रखें बना के, और जब भी आपका स्कोर सर्टिफिकेट कंप्लीट होगा आपको क्रेडिट स्कोर आपके प्रोफाइल में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें, रिजल्ट आपका जल्दी देखने को आपको मिल जाएगा, जैसे अपडेट आएगी आपको बताएंगे। अधिक जानकारी के लिए आप इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।